हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं आर्क सर्वाइवल इवॉल्व। तो फाइनली गाइस, जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोगों ने एक यूटी को टीम किया था, एंड उसके साथ साथ हमें जो है ना एक काफी ज्यादा मैक्स लेवल की फीमेल यूटी मिली है, वो भी अपने पहले वाले ट्रैप में टेम हो चुकी है। एंड आज जो है ना गाइस, सबसे पहले तो हम लोग जितने भी अपनी यूटी डायनासोरस हैं उनको जो है ना फटाफट से अपने बेस में लेके चलेंगे। बट मैंने सुना है ये जो है ना अपने डायनोज को करेज करती है फाइट करने के लिए, तो हम लोग इसका आज ट्राई भी करने वाले। तो देखो यार, एक सबसे पहला अपना यूटी डायनोसोरस, वैसे मेरे पास एक क्रायोपॉट है तो मैं इसको क्रायोपॉट के अंदर रखता हूँ। एंड उसके बाद जो है ना, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दूसरा यूटी दिखाऊंगा। ये तो मेल है, एंड अभी जो है ना अपन लोगों ने एक फीमेल भी टेम किया। वैसे ये ट्रैप हम लोग यहाँ पे रखते हैं, डेफिनेटली इन फ्यूचर कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। चल भाई, आ जाए इसके अंदर। तो ओके गाइज, जब तक हम लोग इसको अपने क्रायोपॉट के अंदर रख रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया है एंड जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ गाइज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड इसकी इन्वेंट्री में थोड़ा बहुत सामान वगैरह था, वो सारा का सारा उठाया। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो एक्चुअली मैं गाइज मैं यहाँ पे थोड़ा सा पल्स वगैरह भी फार्म कर रहा था, क्योंकि अपने को जो है ना यूटी की सैडल्स बनानी है, एंड सैडल बनाने के लिए हमें व्हाइट पर्ल्स चाहिए। तो उसको फार्म करने के लिए मैं गया था यहाँ पे जो रेड ऑब्सलिक्स नहीं है ना वहाँ पे। बट वहाँ पे गाइज अपने को एक केव दिखा, मेरा प्लान है उसको आज नहीं तो कल हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो फटाफट से जो है ना हम लोग अपनी फीमेल यूटी के पास चलते हैं। एंड आप लोग देख रहे होंगे मेरी आरजे की हेल्थ जो है ना लगभग 10 HP बचा हुआ था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था भाई, उसने ना इसकी हेल्थ खत्म कर दी थी। यहाँ पे तो मैंने इसको मीट खिला के थोड़ा सा इसका हेल्थ वगैरह इंक्रीज कराए। तो चलिए, वैसे यहाँ पे एक क्रेट है यार, इसको उठा लेता हूँ, क्या पता अपने को क्रैप पॉट मिल जाए जैसे ये मिला था अपने को। तो देखता हूँ क्या है इसके अंदर। कंपास भाई, ये तो अपने पास है सारा का सारा, तो ये मेरे को नहीं चाहिए। तो चलिए यार, अभी अपन लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। तो देख लीजिए गाइस, ये रहा अपना यूटी जिसको हम लोगों ने टेम किया था, एंड काफ़ी मस्त लेवल का है, लगभग 225 लेवल का। भाई अभी मेरे पास सैडल्स वगैरह नहीं है, सैडल वगैरह लेके आऊँगा, फिर इसको हम लोग लेके चलेंगे अपने बेस में। हाँ, मुझे पता है आप लोग बोल रहे हो कि भाई पहले तो दूसरे लेवल का था वो, यार मैंने किल कर दिया था क्योंकि उसका हेल्थ वगैरह इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। एंड ये रहा उसका बॉयफ्रेंड, देख रहे हो ये उसका बॉयफ्रेंड है, 36 लेवल का मेल यूटी। ये दोनों साथ में स्पॉन हुए थे, तो अभी हम लोग चलते हैं, बाद में हम लोग आएंगे इसको भी लेके चलेंगे साथ में। बट मुझे वो चेकआउट करना है करेज का। भाई एक डियोडॉन उठा के लेके चले अपने साथ, ट्राई करते हैं, लेट्स सी अगर हम लोग उठा पाएंगे तो एक डियोडॉन को लेके चलेंगे अपने बेस में। भाई ये देखो भाई, पूरी की पूरी आर्मी आ गई, निकलना पड़ेगा यहाँ से। भाई देखो वो पीछे से करेज कर रहा है, एंड सारे के सारे डायनोज जो है ना वहाँ फाइट ले रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो मैं अपने आरजे को जो है ना इसकी जगह में रखता हूँ, एंड यहाँ पे हम लोग करेज करेंगे अपने टेक रेक्स को। देखते हैं गाइज वो अटैक करने जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो भाई अभी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड हम लोग पहले ऐसे करते हैं सैडल बना के चलते हैं। तो देखना पड़ेगा सैडल बनाने के लिए अपने को क्या क्या चाहिए। वैसे भी वाइट पल्स चाहिए थे, मैं लेके आऊँ। भाई काफ़ी गंदा लैग हुआ यहाँ पे, आप लोगों ने भी देखा होगा। चलो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे सैडल बनाता हूँ। तो जितने मेरे पास वाइट पल्स हैं वो सारे का सारा हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, एंड लेट्स सी। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोग एक सैडल बना सकते हैं। तो फाइनली यार यहाँ पे अपना एक सैडल बन गया है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा, एंड देखता हूँ दूसरी सैडल बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए। ओके यार, मेरे पास हाइट तो नहीं है, मेरे पास हाइट भी नहीं है और ना ही मेटल इंगट्स है, तो देखेंगे बाद में। तो चलो यार फटाफट से ये सैडल मैंने लिया, और फटाफट से यूटी को निकालते हैं बाहर, एंड चेकआउट करते हैं इसकी पावर्स। मैं सोच रहा हूँ यार वहाँ पे कार्नो भी काफ़ी ज़्यादा थे, क्यों ना अपन लोग कार्नो को ही पकड़ लें। चल बेटे निकल बाहर। भाई देख रहे हो ये, भाई मज़ा आ गया था इसको पकड़ने में। बट चलो यार फटाफट से इसकी सैडल मैं इसमें इक्विप करता हूँ। बाय 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 बाय। चलो गाइज कैसे करना है, वो इनेबल कर दिया मैंने इसका आउटक्रेज मूव। भाई चलो, मतलब भाई कैसे कैसे करना है इसको यूज। चल एक बार ही इसमें करके देखता हूं मैं भी, क्या पता तब यूज करेंगे।
ओके हाँ यार ये देखो, अरे भाई आओ ना यार मेरे पीछे। लगता है गाइस इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा, अभी थोड़ा सा अपने को सीखना पड़ेगा इससे हम लोग करेज किस तरीके से करेंगे। वैसे मैं इनको अपने पीछे फॉलो कर रहा हूं। ओके एक आया, भाई लगता है मेरा ओवरहीट होने लगा हूं तो मुझे थोड़े से ना अपने ये निकालने पड़ेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस इसका यूज किस तरीके से करना है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ यूज तो होता है इसका, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बट कोई नहीं गाइस, अभी हम लोग जो है ना फटाफट से चलते हैं दूसरे यूटी को लेके आते हैं, एंड साथ के साथ हम लोग जो है ना वहां पे तो कारनो को भी ट्रैप करेंगे। चल भाई इसको सबसे पहले मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, या फिर गाइस हम लोग ऐसे करें ना उधर चलते हैं। तो ऐसे करते गाइस अभी हम लोग जो है ना चलते हैं आइस वाली केव को करने के लिए, एंड वहां से आते हुए जो है ना हम लोग उसको भी लेके आ जाएंगे, क्या बोलते हैं अपना यूटी को, एंड देखेंगे वहां पे अगर हम लोग ट्रैप कर पाए तो दो कारनों को भी ट्रैप करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए गाइज फटाफट से चलते हैं, आई एम रेडी लेट्स गो। सो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, फटाफट से इस वाले यूटी को क्रायो करते हैं, एंड उसके बाद जो है ना अपन लोग चलते हैं सीधा कहाँ पे, अपन लोग चलेंगे गाइस उधर के साइड केव करने के लिए। याला काफी ज्यादा डेंजरस है, चल भाई आ जा फटाफट से इसके अंदर। तो ठीक है गाइस याला यटी आ चुका है, एंड अभी जो है ना अपन लोग चलते हैं फटाफट से चलते हैं किधर आइस वाली केव को करने के लिए, क्योंकि जब मैं वहां पे एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे को वहां पे केव दिखा था। मेरा प्लान है कि मैं उसे जो है ना फटाफट से कंप्लीट करके आऊं, डिफिकल्टीज डेफिनेटली होने वाली है बट वी विल डू इट। भाई यहां पे अपना टेम्परेचर गिर रहा है अभी, तो मुझे नहीं लगता ऐसे में अपन लोग जा पाएंगे। तो देखो मेरे हेल्थ जो है ना लगभग काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, तो ऐसे करता हूँ अभी मैं जो है ना सीधा घर निकलता हूँ। भाई यहाँ के लिए कौन से आर्मर चाहिए, जब इस वाले आर्मर से भी हेल्थ कम हो रहा है तो फिर कौन सा आर्मर चाहिए मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो गाइज केव करने का प्लान था एंड वो पूरे का पूरा प्लान यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, क्योंकि आप लोग अपनी हेल्थ देख सकते हो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैंने ऑलरेडी यार फर वाले क्लॉथ्स पहने हुए हैं, बट मेरे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लगता है जब मौसम साफ रहेगा तब अपन को आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले बर्फ पड़ रहा था जब हम लोग अपने पहले वाले याटी को लेके आए थे। तो देखना पड़ेगा जब मौसम क्लियर होगा ना फिर आएंगे अपन लोग। तो गाइज वो तो नहीं हुआ, केव करने का प्लान था, बट अपन लोग जो है ना अपने दोनों याटी को लेके आ चुके हैं, तो फटाफट से जो है ना इसको भी मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। एंड अभी मेरे पास वैसे टेक्रैक्स के काफ़ी ज़्यादा अंडे हैं, तो मेरा प्लान है आज जो है ना अपन लोग उनको हैच कर लेते हैं। चल बेटा तू भी निकल भाई, देख रहे हो क्या ही गजब लग रहा है भाई, मज़ा आ गया था मतलब इन दोनों को पकड़ने में यार, लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो चलो यार अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं आगे क्या प्लान करते हैं, कौन सा डाइनो पकड़ना है। बट सबसे पहले तो मेरे को जो है ना टेक्रैक्स के अंडों को हैच करना है, क्योंकि मेरे पास अंडे काफ़ी ज़्यादा है, एंड मुझे लगता है अब हम लोग थोड़ा सा जा सकते हैं बॉस फाइट देख के आएंगे गाइस कि एक्चुअली में बॉस फाइट के अंदर होता क्या है। तो अपने अंडे किधर है, यहाँ पे तो नहीं है, ये रे गाइस देखो टेक्रैक्स के अंडे। मैं फटाफट से जो है ना टेक्रैक्स के अंडों को हैच करने के लिए रखता हूँ, थिंक यहाँ पे करें। चलो गाइस यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, चल एक तो ड्रॉप हो गया है, दूसरा भी ड्रॉप हो गया, तीसरा भी ड्रॉप हो गया। ओके गाइज लगभग 35 मिनट लगेगा इनको हैच होने में, एंड तब तक तो जो है ना अपन लोग कोई भी डाइनोस पकड़ वगैरह के लेके आ जाएंगे। तो ऐसे करते हैं फटाफट से चलते हैं, थोड़ा सा रैक्स वगैरह देख रैक्स नहीं वो देख के आएंगे, क्या बोलते हैं गाइज रैप्टर्स। तो मैं जो अपने आर्मर है ना वो निकाल के फटाफट से अपने आयरन वाले आर्मर पहनता हूँ और चलते हैं उसके बाद। ओके गाइज मैं फटाफट से अपने आर्मर वगैरह इक्विप करता हूँ एंड लेट्स गो, आई एम रेडी। एंड मेरे पास बोला वेपन्स पड़े हुए थे, आई थिंक अपने को बनाने पड़ेंगे, बट यार मेरे पास थे काफ़ी ज़्यादा बोला वेपन्स, कहाँ गए वो मुझे नहीं पता, बट चलो कोई नहीं मैं थोड़ा सा बोला वेपन्स बनाने के लिए सामान वगैरह कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद हम लोग चलते हैं। पानी की बोटल्स हैं मेरे पास, तीन बोला वेपन है, चलो गाइस चलते हैं फटाफट से। 35 मिनट याद रखना है अपने को, क्योंकि 35 मिनट बाद हमें आना भी है।
यार मौसम तो काफी ज्यादा खराब हो चुका है, मुझे दिखेगा भी कुछ डाइनोज वगैरह लगते तो नहीं है। ओके गाइज, यहीं पे कहीं पे अपने को रैप्टर्स वगैरह मिलते हैं, देखना है मेरे को कहीं पे कहीं मतलब ठीक ठाक लेवल के रैप्टर्स मिल जाए, 100-150 लेवल का, तो उसको पकड़ लेंगे अपन लोग। भाई मेरे को यहाँ पे सेवर टूथ दिखा, क्यों ना गाइज इसको पकड़ते हैं। चल बेटे आ जा, तेरे को लेके चलता मैं, तेरे को पकड़ूंगा। अरे भाई ये तो काटता भी है, लगता है इसको ड्रॉप करना पड़ेगा नीचे। निकल बैठे तू बाहर। इसका लेवल चेकआउट करता हूँ, कितने लेवल का है भाई, किधर है वो? लेवल चेकआउट करना है मेरे को तेरा। अच्छा गाइस वो रहा, भाई 68 लेवल का। यार अगर इसको पकड़ लेना गाइस मजा आ जाएगा, देखते हैं ये ट्रैप होगा। भाई ये उधर क्यों भाग रहा है? रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। बट यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है बोला वेपन से ना निकल जाएगा वो, बट ट्राई करता हूँ। आ जाओ लेट्स गो गाइस, करते हैं। ओके व्हाट ट्रैप, बट यार इसको डैमेज इसका काफी ज्यादा जा रहा है। ओके ये अनकॉन्सियस हुआ 68 लेवल का, भाई भागना पड़ेगा। चलो ठीक है भाई, यहां पे ना मेरे को उसकी आवाज आ रही है। ओरे भाई ओरे भाई ओरे भाई, रैप्टर पीछे पीछे रैप्टर है गाइस। कितना लेवल का है? 4 लेवल का है, ये तो नहीं चाहिए। बट इसको जो है ना अपन लोग इससे मारने का ट्राई करेंगे, तलवार से काट देंगे। आजा भैया। चल बेटा निकल निकल पहली फुर्सत में। तो वहां पे गाइस अपने को यार थोड़ा सा प्राइमेट चाहिए, तो चलो चलते हैं फटाफट से, थोड़ा बहुत प्राइमेट का जुगाड़ करेंगे। यहाँ पे एक भी आरजे नहीं है। ओके वहां पे अपने को आरजे तो दिखा, बट मुझे देखना है ये कौन से लेवल का है, मेल है या फिर फीमेल है, नहीं तो उसको पकड़ेंगे। भाई ऊपर रैक्स वगैरह भी काफी ज्यादा है, तो अपने को थोड़ा सा बच के रहना है यहाँ पे। चल भाई इसको मारना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, उड़ रहा ही है। चलो लगभग 5 प्राइम मीट मिला, आई थिंक इतने में तो हो जाना चाहिए। तो चलो यार फटाफट से चलते हैं, उसको प्राइम मीट देंगे एंड फटाक से जो है ना उसको टेम करके लेके चलेंगे सीधा अपने घर। वैसे मेरा प्लान है अगर एक और मिल जाए ना तो हम लोग एक को क्रायो करके एक को अपने आरजे से उठा के लेके चलेंगे। 68 लेवल का है, मेल है वो, तो अपने आरजे की इन्वेंट्री में है। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे मेरे पास इतना ही वो है सिर्फ प्राइम मीट, आई थिंक इतने में तो काम बन जाना चाहिए। ओके यहाँ पे टेमिंग होने लगी है, बट इसको जब भूख लगेगा तभी तो खाएगा। इसका देखता हूँ फूड लेवल, अभी फूड लेवल तो यार लगभग टकाटक फूल है इसका। मुझे थोड़ा सा ना वो भी चाहिए, इसकी इन्वेंट्री में तो है नहीं नार्कोटिक्स, ना ही नार्कोटिक्स है एंड ना ही वो है क्या बोलते हैं ये क्या चीज है, यूटेराइनस लंग्स आई थिंक। मैंने यूटी को मारा था ना, उसका लंग्स है ये, देखो रख लेते अपने पास, डेफिनेटली क्या पता इन फ्यूचर काम आएगा। क्या ये नहीं खाता मीट भाई, कब खाएगा ये? तो चलो यार जब तक ये खाता है तो मैं ऐसे करता हूँ ना, फीमेल सेबर टूथ को देखने का ट्राई करता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगी अपने को। भाई वो इधर ही रहती हैं, तो ऐसे करते ना इधर ही किधर ढूंढते हैं। जिस टाइम मैं आया था वहां पे 2 थे, तो ओके गाइस आई थिंक अपना टेम हुआ। ये अपना तो नहीं है यार, भाई अपना भी तो था। ओके चल भाई यहां पे छोड़, यार अपना तो उधर है लेटा हुआ। फटाफट से मैं इसको भी पकड़ने का ट्राई करता हूं। भाई मेरा ना स्टैमिना खत्म हो गया, मुझे भागना पड़ेगा थोड़ा सा दूर। आएगा देखता हूँ यार, मेरा ना हेल्थ वगैरह भी कम है। मेल है ये, तो मेल नहीं चाहिए अपने को, मेल अपने पास है। चल बेटे निकल निकल यहाँ पे से बाहर। बट यार हेल्थ काफी ज्यादा कम हो रहा है अपना, बट यार अपना जो वो टाइम हो जाए ना उसको लेके हम लोग फटाक से निकलेंगे घर, नहीं तो दोबारा आऊंगा अपने को मिल जाएगा। बस होने वाला है 85% हो गया टाइम।
तो गाइस ये अपना टीम हो चुका है, फटाफट से जो है ना इसको हम लोग लेके चलते हैं कि हम लोग गाइस यहाँ पे वेट करें। एंड जैसे ही जो है ना मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग में जो है ना अपन लोग दूसरा सेवर टूट ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो ऐसे करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं एंड अर्ली मॉर्निंग जो है ना हम लोग फीमेल सेवर टूट ढूंढने का ट्राई करेंगे। लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे मॉर्निंग वगैरह हो चुका है एंड क्या हम लोग थोड़ा सा वेट और करें कि सूरज जो है ना एकदम काफ़ी तेज हो जाए, तो उसके बाद हम लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे साइबर टूट को। मे बी अपने को मिल जाए एक काफ़ी मस्त लेवल का। तो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड काफ़ी उजाला हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग ढूंढना स्टार्ट करेंगे। तो यार यहाँ पे अब बारिश भी होने लगी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा हमें यहाँ पे ढूंढ लेना चाहिए, मे बी मिल जाए अपने को। वैसे इसका पार्टनर होगा तो, क्योंकि दो तो अपने को मिले थे, तीसरा भी मिलना चाहिए। ये क्या है, रैप्टर? ओके ये मैंने मारा था। चलो यार फिर भी मैं यहाँ पे ढूंढने का ट्राई करता हूँ, लेट्स सी देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। भाई एक दिख रहा है अपने को साइबर टूथ, आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, वो भागा। देखो 150 लेवल की फीमेल साइबर टूथ, भाई पकड़ते हैं यार उसको। तो भाई यहाँ पे बैठे रहे आराम से, मैं उसको लेके आता हूँ। चलो यार फटाफट से इसको बोला करने का ट्राई करता हूँ, बट ये इसके पीछे है, क्या करें मारें इसको? तो ऐसे करते हैं सबसे पहले हम लोग इसको मारते हैं, इसकी हेल्प करते हैं यार, ये यहाँ पे खा लेगा उसको मार के ना। ठीक है चलो लग रहा है, बस सेवर टूथ को नहीं लगना चाहिए गोली, सेवर टूथ का हेल्थ जो है ना काफी कम होता है। ओके 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 गाइस सेवर टूथ अपने ऊपर करेगा अटैक। हाँ हाँ आजा, ठीक है तो मैं जो है ना इसको इससे मारने का ट्राई करता हूँ। चल भाई ये नहीं सोएगा, इसका हेल्थ काफ़ी है, अपने पास ना बोला वेपन्स वगैरह भी नहीं है। अगर ये छूट गया बोला से तो भाई दिक्कत हो सकती है अपने को। मैं भागने के लिए रेडी हूँ। भाई देखो मैं तो सोचा कि मेरे ऊपर अटैक करेगा, बट ये भागने को रेडी था। यार इसकी हेल्थ काफ़ी कम है तो अपने को थोड़ा सा ना चौक करना रहना पड़ेगा, कहीं इसके ऊपर कोई और अटैक ना कर दे। तो एकदम पूरी ब्लीडिंग वगैरह निकलने लगी है एंड ये ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स 150 लेवल का है, मज़ा आएगा। तो चलो यार अभी हम लोग थोड़ा सा प्राइम मीट वगैरह का जुगाड़ करते हैं। यार अर्ली मॉर्निंग ठीक हुआ अपन लोगों ने जो है ना आ गए यहाँ पे, इसको मारने का ट्राई करता हूँ मैं भी, इससे मिल जाए अपने को प्राइम मीट। भाई ये जो है ना पूछ काफी गंदा मारता है। भाई नहीं लगेगा, मर जाएगा तू तब तक यार। चलो गाइस इसको मारा, 8 प्राइम मीट, आई थिंक इतने में तो काम बन जाएगा। चले यार आज जो ना हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, साइबर टूथ को भी पकड़ लिया। चलो इसको मैं फटाफट से प्राइम मीट देता हूँ। वैसे इसका हेल्थ यार काफी कम है, देखो 150 के करीब है, 10-50 के करीब। थोड़ा सा अपने को ना काम इसकी हेल्थ वगैरह में भी करना होगा, बट कोई नहीं अभी बस इसको मीट वगैरह देते हैं, बाकी इसका वेट करते हैं टाइम होने का। तो गाइज अभी अपने को वेट करना है, बस टाइम होते ही इसको हम लोग लेके चलेंगे अपने घर। एंड उसके बाद मेरा प्लान है कि मैं जो है ना आइस वाली केव इनके बेबी के साथ करूं, उसको लेके चलेंगे हम लोग आइस वाली केव को करने के लिए। भाई मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पे जंप्स वगैरह मारना होता है, अगर हमारे पास सेवर टूथ रहेगा तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा अपना। तो बस गाइस अभी हम लोग वेट करते हैं एंड जैसे ही टाइम होगा लेते चलेंगे इसको। तो फाइनली यार यहाँ पे बारिश वगैरह तो बंद हो चुका है और इसने अभी तक एक बार भी नहीं खाया है, ये डेफिनेटली उसके ऊपर अटैक करेगा। तो मुझे जो है ना यहाँ पे आरजे इसको मारना पड़ेगा। बेटे निकल, आजा आजा आजा, किधर भाग रहा है? मरने वाला है गाइस, मरने वाला है, बस बस। भाई 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 96
का अटैक जा रहा है, उसका 15 का आ रहा है मेरे को। मुझे अपने साइबर टूथ को बचाना है, ये करेगा अटैक साइबर टूथ पर डेफिनेटली। तो ओके गाइज, एक आरजे गया भाई, प्राइमिट ले लेता हूँ, मैं भी ज्यादा जरूरत पड़ सकता है अपने को प्राइमिट का। भाई गलती से इसको नहीं लगा स्टिगोसोरस का, अगर लगता ना भाई मारता बड़ा गंदा हो। बट अरे गाइस सैबरटूथ किधर गया, वो रहा, अबे इधर भी नहीं है, मर तो नहीं गया। अरे यार ओके, वो आई थिंक वहां पे है, मरा नहीं अभी, बचा है। बेटा और खाएगा मीट, तेरे लिए मीट लेके आया हूँ, बड़े बड़े पक्षी को मार के। ले बहुत मीट है अपने पास, ले ये भी खा। वैसे हम लोगों ने ये बनाया तो था इसका टॉर्पर लेवल चेकआउट करने के लिए, लेट्स सी देखते हैं गाइस दिखता है इसमें टॉर्पर लेवल। अरे नहीं, हाँ यार दिखता तो है, बट इसका हेल्थ काफी ज्यादा कम है यार, मैंने गलती से जो है ना इसको मार दिया, बट कोई नहीं। चलो यार फटाफट से यहाँ पे चलते हैं, चेकआउट करते हैं। ये रॉक है, इससे मेटल एंड फ्लिंट्स मिलेगा अपने को, एंड इससे क्या मिलेगा, मेटल एंड स्टोन। ओके भाई ये सही है, इससे क्या मिलेगा देखो, इसका हेल्थ लगभग 7000 के करीब है एंड टॉर्पोर लगभग 5000। भाई यहाँ पे वेट करते हैं, इसकी रखवाली करनी है अपने को। भाई कहीं मेरे टेक्रैक्स के अंडे हैच तो नहीं हो गए होंगे मुझे लग रहा है, बट ये भी गाइज एक बाइट खाएगा टेम हो जाएगा। मुझे अभी सीधा यहाँ पे से भागना है अपने बेस में, मुझे नहीं पता कहीं अपने टेक्रैक्स के अंडे हैच हो गए होंगे, एंड उनको हम लोग क्लेम नहीं करेंगे ना तो उनकी इनेबल वेंडरिंग ऑन रहती है, वो पूरा पता नहीं किधर भाग जाएंगे, फिर मेरे को ढूंढना पड़ेगा। भाई खा ले यार, भाई ऐसे बोलने से थोड़ी ना खाएगा, इसका टाइम है। देखता हूँ मैं इसका फूड लेवल कितना है अभी, तो आई थिंक जब 40 होगा तब खा लेगा, 5000 होगा जब, देखता हूँ। भाई उसका डर लग रहा है मेरे को, कहीं वो ना करे अपने में अटैक। भाई 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 तो आरजे आया, मारना पड़ेगा यार इसको। चलो यार सबसे पहले मैं इस वाले आरजे को मारता हूँ, फिर जो देखेंगे, क्योंकि ये जो है ना आपने काफी ज्यादा क्लोज था, मुझे लगता है डेफिनेटली अगर इसको मारूंगा नहीं तो ये दिक्कत कर सकता अपने के लिए। बटे निकल। ओके गाइस अपना ये फाइनली टेम हो गया, मैं जो है ना इसको लेके चलता हूँ, एंड अब ये जो है ना अपने टेक्रेक्स के अंडे भी हैं जो हैच करने रखे हुए थे अपन लोगों ने। चलो तो फटाफट से निकलते हैं घर, एंड अपन लोगों ने दो साइबर टू टेम कर लिए हैं, और एक जो है ना टेक्रेक्स का अंडा, उससे जो है ना अपने को 3 टेक्रेक्स मिलेंगे यार, काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए फटाफट से जो है ना घर पहुंचते हैं। तो गाइज हम लोग अपने घर पहुंच चुके हैं, देखते हैं अंडे हैच हो गए सारे के सारे, नहीं अभी है गाइज थोड़ा सा टाइम, इनको मैं यहाँ पे रखता हूँ। चल बेटे तू यहाँ पे बैठ, और मुझे जो है ना सबको स्टॉप करना है, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे हम लोग मेल जो अपना साइबर टूथ था उसको भी निकालते हैं। ओके भाई इसकी आवाज़ देखिए क्या ही गजब लग रही है। इनके लिए मैं सैडल वगैरह बनाता हूँ, बट उससे पहले जो है ना अपन लोग यहाँ पे अंडे देखते हैं कितना टाइम लगेगा अभी भी। ओके यार 2 मिनट में ये हैच हो जाएंगे, बट जब तक हम लोग ऐसे करते ना इसका सैडल बनाते हैं। साइबर टूथ ओके, साइबर टूथ की सैडल बनाने के लिए अपने को चाहिए 20 मेटल इंगेट्स, एंड लिटरली यार अपने पास मेटल इंगेट्स ही नहीं है, और 295 हाइट। तो मैं सबसे पहले जाता हूँ फर्नेस में, चेकआउट करता हूँ मेटल इंगेट्स होंगे तो ठीक है, नहीं तो गाइज हम लोग जो है ना फिर नेक्स्ट डे देखेंगे इसको। ओके यार मेटल इंगेट्स है नहीं अभी अपने पास, तो मुझे जो है ना सबसे पहले तो यहाँ पे, अरे यार इसमें है काफ़ी ज़्यादा मेटल इंगेट्स, बट मुझे इसको मेल्ट करने के लिए चाहिए होगा वुड, तो करते हैं
वुड तो अपने पास है नहीं। भाई थोड़ा सा मिला वुड, आई थिंक इतने से तो काम बन ही जाएगा। चलो ये सारे का सारा मेटल जो है ना, वुड मेरे पास है, मैं इसमें डालता हूँ। तो चलो यार ये यहाँ पे मेल्ट हो लेगा तब तक, एंड मैं फटाफट से जो है ना अपने टैकरैक्स के बेबीज को क्लेम करता हूँ। अब यार सैबाटूथ इधर आ, किधर गया वो? किधर गया? इधर ही तो था भाई। ये ऊपर से नीचे कैसे गिरा? आई थिंक कोई डाइनो भाग रहे थे इसके पीछे। भाई इधर आ, इधर। चलो कोई नहीं गाइज, उसको वहां पे छोड़ो क्योंकि अभी अपने पास वो भी नहीं है। सैडल वगैरह हम लोग बाद में बनाएंगे, सबसे पहले जो है ना हम लोग बेबीज को क्लेम करते हैं। ओके एक बेबी निकला, दूसरा भी निकला, तीसरा भी निकला। 161, 157। अरे गाइस भाई देखो क्या ही गजब के, मतलब एक जगह से खड़े हो रहे क्या हैं। तो इम्प्रिंटिंग करते हैं इसका, वो भी आ गया, इसकी भी करो। आई थिंक ये वाला है ना लास्ट का। ओके तो चलो यार अभी जो है ना हम लोगों ने इसकी इम्प्रिंटिंग कर दिया, बट मुझे जो है ना थोड़ा सा मीट वगैरह चाहिए क्योंकि इनको मीट वगैरह भी तो खिलाएंगे, मुझे पता है ये दौड़ेंगे अभी। बस 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 भाई भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी हम लोग इनका बिहेवियर को चेंज करते हैं। इनेबल वेंडरिंग नहीं, विशल बजा के स्टॉप करना होगा इनको। चलो अब तो नहीं आएंगे ना कहीं। भाई तू किधर आ रहा है? तू भी रुक जा ना, जब वो रुक गए तो तू कहीं नहीं रुक रहा है। चल ठीक है रुक। तो चलो यार फटाफट से जो है ना मैं इनको मीट वगैरह देता हूँ। ठीक है इतने में तो इसका काम चल जाएगा। तेरा कितने में चलेगा भाई काम? तेरे को भी देना पड़ेगा, काफ़ी दूंगा। तो ठीक है गाइस इसको भी हम लोगों ने दे दिया, एंड बस अब ये बचा हुआ है इसको भी देते हैं। तो भाई हम लोगों ने जो है ना आज यूटी को टेम किया, उसके बाद हम लोग दो साइबर टूट से लेके आए। लिटरली गाइस मज़ा काफ़ी ज़्यादा आया। तो चलिए गाइस अब भाई ये बिहेवियर इनेबल वेंटरिंग नहीं यार, ऐसे करता हूँ ना मैं एक एक करके। सिंगल सिंगल मैं सबको स्टॉप कर रहा हूँ, एंड अभी भी चलेंगे ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब नहीं आ रहे ना? ओके तो जी हाँ गाइज, चलो ये आप यहाँ पे बैठ चुके हैं, एंड अभी मेरे पास थोड़ा सा मेटल इंगट्स देखता हूँ, अगर हो गया होगा ना सैबाटूथ का सैडल बना के, फिर आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। हाइट नहीं है अभी अपने पास। ओके यार हाइट तो अपने पास होगा काफ़ी ज़्यादा, चेक करता हूँ किसी ना किसी बॉक्स में मिलेगा अपने को हाइट। 200 हाइट तो ये रहा। चलो ऐसे करता हूँ मैं फटाफट से बाहर चलता हूँ एंड आरजी की इन्वेंटरी से लेके आता हूँ, आरजी के पास काफ़ी ज़्यादा हाइट है। चलो ये बैठ के आराम से खा लेंगे यहाँ पे। आरजे की इन्वेंट्री में ओके सो मिल गया। कितना हाइट चाहिए? भर भर के हाइट पड़ा हुआ है। तो चलो यार फटाफट से जो है ना मैं इनका सैडल वगैरह बनाता हूँ। इतना मेटल तो है अपने पास कि अपन लोग दो सैडल, दो नहीं एक ही बन रहा है यार। ओके नो मेटल इंगेट्स, आई थिंक उतने मेटल इंगेट्स तो हो गए होंगे इसमें। कितने में? 13। ठीक है इतने में काम बन जाएगा अभी अपने।
तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने दोनों के लिए सैडल्स वगैरह बना दिया है, तो चलो यार चलते हैं। एंड ये रहा अपना सैडल। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना इसका सैडल इसमें देते हैं। और भाई सैडल पहन तू अपना, ठीक है। एंड वेट चाहिए मेरे को ज्यादा, बट इसके ऊपर बैठूंगा ना, वेट इसका कम है। कॉस्ट्यूम्स तो मेरे पास है नहीं इसके लिए। अरे भाई ओ भाई क्या ही तेज चल रहा है ये भाई, इसको लेके चलेंगे हम लोग उधर, देख रहे हो। चलो यार उसको भी हम लोग फटाफट से सैडल वगैरह इक्विप करते हैं, है मेरे पास एक्स्ट्रा। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमको आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। तो मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में, बाय बाय।